नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर और कंसल्टेंट हूं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट होने के ऐसे कौन से कारण हैं, और ये आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो तो इसके लिए आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम जो रिजेक्ट होता है वो पहला कारण ये है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज यानी आपकी पुरानी बीमारी। जब भी आप पॉलिसी निकालते हो, अगर वो पुरानी बीमारी आपकी कोई है जैसे कि डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर या अन्य कोई पुरानी बीमारी हो, अगर आपने पॉलिसी में नहीं डिस्क्लोज की है यानी नहीं बताई है, और सडनली जब आप हॉस्पिटलाइजेशन होते हो और डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में आप वो बीमारी डिस्क्लोज करते हो, बताते हो, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसको इंश्योरेंस के भाषा में कहा जाता है कि नॉन डिस्क्लोजर, यानी आपने वो जानकारी हमसे छुपाई इसलिए हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपने जो पॉलिसी में जानकारी दी है तो वही जानकारी आपको हॉस्पिटल में बतानी है। जैसे कि मान लो आपको डायबिटीज 5 साल से है और आप हॉस्पिटल में बोल देते हो कि मुझे ये डायबिटीज 10 साल से है, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो आप जब भी आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आप अपने पॉलिसी सर्टिफिकेट एक बार जांच ले कि इसमें आप पुरानी बीमारी मैंने डिस्क्लोज की है कि नहीं की है। सेकंड रीजन है आपका क्लेम रिजेक्ट होने का, जो है स्पेसिफिक डिसीज। जैसे कि कुछ बीमारी ऐसी है कि जो आपके 24 मंथ्स कवर नहीं होगी यानी 2 साल तक कवर नहीं होती, जैसे कि आपका हर्निया, पाइल्स, स्लिप डिस्क और कैटरैक। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं स्पेसिफिक जिसमें आपका सर्जरी होती है, या जैसे कि किडनी स्टोन। तो ये जितनी भी सर्जरी है जनरली पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर होती है। अगर आपका 2 साल के पहले कोई क्लेम आ रहा है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कौन सी बीमारियां कवर नहीं होती है, तो आपका पॉलिसी के साथ में पॉलिसी वर्डिंग आता है, यानी जैसे कि अपन अगर टीवी फ्रिज खरीदते हैं उसके साथ जैसा मैन्युअल आता है, वैसा सेम आप जब भी पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके साथ पॉलिसी वर्डिंग आता है, तो वो पॉलिसी वर्डिंग आपने एक बार पढ़ लेना चाहिए। थर्ड रीजन है कि पॉलिसी में आपका क्लेम रिजेक्ट होने का, तो सबसे बड़ा कारण है कि आपके पॉलिसी के लिमिट्स आपको खुद जांच लेना है कि कौन से बीमारी के लिए कितना क्लेम अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप कैटरक का क्लेम है तो जनरली इसमें सभी कंपनियों ने लिमिट डाला है, जैसे कि कुछ कंपनियां 40,000 दे रही है, कुछ कंपनियां 60,000 दे रही है, और ये प्लान के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपकी पॉलिसी बड़ी है तो ज़्यादा सम इंश्योर्ड आपको दिया रहता है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि इस बीमारी के लिए कितना पैसा दे रही है कंपनी। सेकंड है, अगर कोई बड़ा क्लेम आता है एंजियोप्लास्टी कैंसर, इस बीमारी के लिए भी आपको अलग अलग पैसा कंपनी ने अलॉट किया होता है, क्लेम आपको पहले से तय होता है। तो ये भी आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपका पॉलिसी वर्डिंग है वो पढ़िए, उसमें ये सभी जानकारियां दी होती है। थर्ड आता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट होने का कारण कि आपका जो भी क्लेम है, मैंने ज़्यादातर मुझे जो भी फ़ोन आते हैं मेरे व्यूवर्स के, तो वो बताते हैं कि सर कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट होने का जो कारण बताया है मुझे, ये बताया है कि आपको एडमिट होने की आवश्यकता नहीं थी, ये ओपीडी बेसिस पे आपका क्लेम सैंक्शन हो सकता था, कैशलेस हो सकता था, लेकिन मेरा रिजेक्ट कर दिया। देखिए, आपको भी इंश्योर करना है, कम से कम 2 डॉक्टर का आपको यहाँ पर ओपिनियन लेना है कि मुझे एडमिट होने की आवश्यकता है क्या नहीं। अगर फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं तो आपको एक डॉक्टर से लेटर लिखवा के लेना है कि मुझे एडमिट होने की क्यों आवश्यकता थी, इसका एक जस्टिफिकेशन लेटर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी आपका ये क्लेम अप्रूव हो सकता है। ये भी मैंने कारण देखा है। और सेम और एक रीज़न है क्लेम रिजेक्ट होने का, जैसे कि आपके जो भी पेपर्स आप सबमिट कर रहे हो, तो आपका जो भी आईपीडी पेपर होता है यानी इंडोर केस पेपर, जो कि हॉस्पिटल के पास ये रिकॉर्ड सब
रहते हैं। तो देखिए इंडोर केस पेपर में अगर कहीं पर ओवर राइटिंग है, ये आपका डिस्चार्ज कार्ड और इंडोर केस पेपर में कहीं पर भी मिसमैच है, जैसे कि आपका डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट या आपकी कोई ट्रीटमेंट, तो ये भी अगर मिसमैच आती है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बातों के ऊपर आपको गौर करना है। और मुझे अभी कुछ व्यूवर्स के फोन आए थे कि जिसमें एक जनों ने जो रीज़न बताया वो मुझे अभी पता चला कि जैसे कि मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि पूरे पेपर में या आईपीडी पेपर हो, डिस्चार्ज कार्ड हो, ये सभी पेपर के ऊपर सेम हैंडराइटिंग था, तो मतलब कंपनी को ये जो क्लेम सारासार फ्रॉड लग रहा था। देखिए आपका जो भी आप पेपर सबमिट कर रहे हो या जो भी पेपर आप दे रहे हो कंपनी के पास, तो कंपनी भी समझती है कि उनके जो भी एक्सपीरियंस आप बहुत बड़ा होता है कि आपके जैसे हजारों फाइल्स उनके पास आती है, तो आपको इंश्योर करना है कि जो भी पेपर आप सबमिट कर रहे हो उसमें जो हैंड राइटिंग है वो अलग अलग होती है। जैसे कि सिस्टर अपने नोट्स लिख रहे हैं तो उनका हैंडराइटिंग अलग रहेगा, डॉक्टर का हैंडराइटिंग अलग रहेगा, तो ऐसा कुछ आप पेपर्स दे रहे हो तो इंश्योर करो कि अपने पेपर्स सही हो, किसी अपने एडवाइजर या एक्सपीरियंस जो भी है जिनको क्लेम का, तो उनको एक बार दिखा के ही आप ये पेपर्स सबमिट कीजिए। तो ये आपके क्लेम मेनली रिजेक्ट होने के कारण मैंने ये बताने की आपको कोशिश की है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताना। फिर भी आपका कुछ क्वेरी है तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, डायरेक्टली फ़ोन मैं ही उठाता हूँ, तो आपका मैं आंसर आपका मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।